145 साल पुरानी दुकान है। तो दिख रहा है ये मामूली तेल नहीं है, देसी घी के अंदर बनती है सारी चीजें। ये देखिए ये डाल रहा है अपना क्रीम वाला केवल, और बहुत ही शुद्धता के साथ रखा जाता है। और साथ ही सबसे बड़ी खास बात ये कि देसी घी के अंदर है। समोसो बहुत ही औसम है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विश टू एक्सप्लोर। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ, और आज मैं आपको लेकर आया हूं हल्दियों के रस्ते के अंदर, जो कि जयपुर में है और मेन मार्केट के अंदर। आज मैं आपको काफ़ी फेमस प्लेस पे लेकर आया हूं, जो कि अपनी फीनी और गेवर के लिए बहुत ही मशहूर है, और साथ ही साथ इनकी मिठाइयाँ भी बहुत ही फेमस है जयपुर के अंदर। आज मैं आया हूँ बर्फी वाला स्वीट्स के अंदर। सर देखिए ये है हल्दियों का रास्ता, ये मेन मार्केट है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये है आपको बर्फी वाला दिखेगा, जिस पे लिखा होगा सांबर की मशहूर फीनिया एवन गेवर। सो ये इसी के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फेमस फीनी और गेवर मिले जाते हैं। तो आइए चलिए इनके ओनर से मिलते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। सो अपनी दुकान पे क्या चीज़ फेमस है? हमारे यहाँ पे मावे की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाई, और जैसे काफ़ी बंगाली मिठाइयाँ, मलाई रोल वगैरह, और उसके अलावा सांबर की मशहूर फीनिया और गेवर सभी मिलते हैं। सांबर की मशहूर फीनिया गेवर जी। सो यहाँ पे बनाते हैं, मतलब सांबर से आते हैं? सांबर से कारीगर आते हैं, वो यहाँ बनाते हैं। तो सांबर के कारीगर आके और यहाँ पे यहाँ बनाते हैं जी। ठीक है। सो अंकल कितना टाइम हो गया आप यहाँ पे? ये करीब 145 साल पुरानी दुकान है। 145 साल पुरानी दुकान जी। फोर्थ पीढ़ी है, फोर्थ जनरेशन है ये। फोर्थ जनरेशन है। और यहाँ पे पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो और ये देखिए गाइस, सो ये है इनकी मिठाइयाँ, और यहाँ पे अगर देखेंगे जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये है बर्फियों का सेक्शन, काफ़ी सारी बर्फियाँ हैं यहाँ पे, तो काफ़ी वैरायटी दिखेगी। और ये देखिए ये सीताफल कितना यूनिक लग रहा है यहाँ पे। और ये सारी मलाई वाली स्वीट्स हैं, ये देखिए, ये गुलाब जामुन। हाँ, सो ये गाइस ये जो दिख रहा है ये मामूली तेल नहीं है, देसी घी के अंदर बनती है सारी चीज़ें, यहाँ तक कि समोसे वगैरह हर चीज़ देसी घी के अंदर, पूरा देसी घी के अंदर। सो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अगर आप देखोगे क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अपना मिनी गेवर, हाँ ये देखिए गाइस, और ये चल रही है गर्मा गर्म चाशनी इस पर। ये देखिए ये लग रही है क्रीम, और बिल्कुल हाथ पे ग्लव्स पहन के बनाया जा रहा है ये गेवर। इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, स्टैंडर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है गिराए हुए, हर एक चीज़ का ध्यान कोविड को देखते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है, हेल्थ मेजर्स का पूरा ध्यान रखा हुआ है। राइट, ये देखिए आया है, ये डाल रहा है अपना क्रीम वाला गेवर। सो इसके अंदर ये कौन सी क्रीम है? ये मावा, ये मावा केसर वाली है, ये रबड़ी है केसर वाली। ओह वास्ता बादाम इस पर। हम तो पहली बार आए। ये है अपना गेवर, मिनी गेवर, जो कि हैंड टू हैंड रेडी हो गया है, बिल्कुल गर्म गर्म देसी घी के अंदर चाशनी। आहा, अब करिए गाइस अनीशा ट्राई, कैसा है? बहुत टेस्टी है। पहले तू खा ले। बहुत टेस्टी है। अच्छा अच्छा लगा? बहुत ठीक है, ठीक टेस्ट एकदम यूनिक, बहुत अच्छा है गाइस। सो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आना, क्योंकि अभी मकर संक्रांति भी आने वाली है और गेवर तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो ये फीनी और गेवर ये दो चीज़ें, तो ये शॉप आप ही के लिए बनी है गाइस। क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर कुछ भी गिरावट नहीं है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मेंटेन करी गई है। सो ये जो थैले पड़े हुए हैं ये सारे ऑर्डर के, सो ये गाइस ये देखिए ये सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ये अभी जाने हैं ऑर्डर्स, तो आप सोच सकते हैं कितनी डिमांड है। 100 कई काफ़ी दूर दूर से आते हैं, वैशाली नगर से, सांगानेर से, मलीपुरा से, काफ़ी जगह से आते हैं कस्टमर, तो बहुत दूर दूर से आते हैं। और क्या आपके ऑर्डर जयपुर के बाहर जाते हैं या फिर जयपुर के बाहर भी, जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर है, वहाँ काफ़ी जाते हैं पार्सल्स। अच्छा, जयपुर के बाहर भी जाते हैं। आप बताइए कुछ इनके बारे में, मतलब इनकी क्वालिटी आज से नहीं बरसों से ही शुद्धताई में और एक नंबर है, क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चीज़ हमेशा शुद्ध और बहुत अच्छी मिलती है। और अभी इन्होंने एक नई चीज़ लॉन्च की है, पनीर समोसा, जो कि देसी घी के अंदर में है,
और 25 रुपए के अंदर में पूरे जयपुर के अंदर में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऐसा स्वाद और ऐसी क्वालिटी और प्योर घी के अंदर। इस दुकान में एक और चीज बहुत ही फेमस है जो कि अभी इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी है, वो है इनका समोसा जो कि देसी घी के अंदर बनाया जाता है। सो मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि क्या क्या स्टफिंग करते हैं। तो सर इसके अंदर आपने जो अभी समोसा बनाया है अभी इसके अंदर क्या क्या स्टफ करते हैं? इसमें पनीर है, काजू है, किशमिश है और आलू है। अच्छा ये चार चीज़ है। हाँ। सिर्फ नॉर्मल नहीं है। हाँ। और ये देसी घी के अंदर? देसी घी के अंदर। तो एक समोसा कितने का देते हैं? 25 रुपए का। 25 रुपए का समोसा। समोसे की स्टफिंग होगी। तो ये देखिए गाइस, ये है इनका समोसा और एक बार इसको तोड़ के दिखाइए। ये देखिए गाइस, जो ये कह रहे थे बिल्कुल वैसा ही है, मतलब पनीर, आलू, हर एक चीज इसके अंदर मेंशन, काजू, हर एक चीज, और बहुत ही शुद्धता के साथ रखा जाता है। और साथ ही सबसे बड़ी खास बात यह है कि देसी घी के अंदर है। तो भाई समोसा बहुत ही औसम है, मजा आ गया टेस्ट करके, एक नंबर समोसा। आपको ऐसा समोसा पूरे जयपुर में खाने को नहीं मिलेगा, विद चार स्टफिंग और देसी घी का पूरा स्वाद आ रहा है। ये हम शाम को खा रहे हैं लेकिन मजा आ गया, मुँह चटपटा और टेस्ट भी एकदम खादा। हाँ चटनियाँ भी बहुत टेस्टी हैं। जैसा कि अपन ने सुना तो ये दुकान पे आइएगा ज़रूर, संक्रांति आने वाली है और चखिएगा ज़रूर यहाँ की फीनी और घेवर। होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक हम घेवर ज़रूर निपटा लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। और वैसे तो बता ही चुके हैं कि अच्छा लगा, सही है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय।